जो मेरे साथ मोहब्बत में हुई, जो मेरे साथ मोहब्बत में हुई, आदमी एक दफा सोचेगा। रात इस कूड़ा घर में गुजारी हमने, उत्तराखंड को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। यूपीटी ने ठाना है, स्वच्छता को बढ़ाना है। अरे यूपीटी ने ठाना है, स्वच्छता को बढ़ाना है। ना घर में ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। ना घर में मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। तो मैं आपको ना रियलिटी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये स्थान दे रखा हमने भगवानों को, अपने पूज्य सनातन के जो हमारे हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हमने यह स्थान दे रखा है। और आज के यूथ जो है ना, वो घर में बैठना, घर में सोना पसंद नहीं कर रहा। संडे को देखो हमारी टीम कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। बिल्कुल है, मतलब हम चाहते तो संडे को आराम से उठ सकते थे 9-10 बजे, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है यार कि चलो हम लोग कुछ तो अपना योगदान दे रहे हैं ना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हूँ मैं मालदीप्ता में अभी, और मालदीप्ता, पहले तो आप जगह देख लीजिए मालदीप्ता कैसी है। ये देखो, ये पूरा मालदीप्ता की जगह है और कितनी खूबसूरत है। और काश इतनी खूबसूरत हमेशा रहते। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। अभी हम लोग यहाँ मालदीप्ता में आ रखे हैं, घूमने के लिए नहीं आ रखे हैं, हम लोग आ रखे हैं यूबीटी केयर की तरफ से। और यूबीटी केयर एक सोसाइटी है जो देहरादून को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसमें कुछ हम जैसे युवा लड़के हैं जो प्लास्टिक वगैरह, जो पिकनिक स्पॉट है या जो टूरिस्ट स्थल है वहाँ पर, या मंदिर वगैरह हैं जितने भी हैं वहाँ पर, जो भी लोग कूड़ा फैलाते हैं उसमें सोशल अवेयरनेस और वहाँ पे साफ़ सफाई करने का कार्य यूबीटी केयर कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है और हम सबको आगे आना चाहिए। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, एक मेंबर हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो होती है कि हम नेचर को देखने के लिए आ रहे हैं और नेचर को एंजॉय करने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी साइड, डार्क साइड ये है कि हम लोग इस तरह का कूड़ा वगैरह यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो कि दिक्कत है भाई। और ये हाल यहाँ का नहीं है, ये सभी जगह का है भाई। आप किसी भी उत्तराखंड के किसी भी पर्यटक स्थल या किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ऐसा ही मिलेगा। तो कृपया ऐसा ना कीजिए। अगर आप कैरी करके लेके आ रहे हैं भाई, इतना बोतलें मिल रही हैं मंदिरों के स्थान पर, बोतलें मिल रही हैं या प्लास्टिक, तो आम सी बात हो गई है प्लास्टिक मिलना। वॉलंटियर्स है ना, सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ लगे हुए हैं, कुछ लोग उधर लगे हुए हैं, कुछ लोग उधर हैं। और बोतलें आपको बहुत सारी भरपूर मात्रा में मिलेगी इधर पर। अगर कोई व्यापार करना चाहता है इधर पर मालदीप्ता में बोतलों का, तो कर सकता है। तो ये ना डार्क साइड है किसी भी पिकनिक स्पॉट की। ये देख लो आप कूड़ा, ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन प्लास्टिक वगैरह हम छोड़ के चले जाते हैं, और जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए अपन लोगों को। आ रहे हो यार तो अपना कूड़ा तो लेके जा सकते हो। आज हमें क्या क्या मिला? ये बोतलें मिल रखी है भाई, और जिन जिन लोगों ने यहाँ फैला रखे ना, कृपया करके यहाँ आके अपनी बोतलें कलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा रिफिल करके पी सकता है। सारी पैक कर रहे हैं, सारी पैक कर रहे हैं आप, ले जा लेना यहाँ पे, भिजवा देंगे आपके घर पे भाई। ये बेच के ना कोई शाम के लिए एक और खरीद सकते हैं। हाँ, जिस जिस का है ना, ये 100 रुपए तो मिल जाएंगे इसके, 100 रुपए मिल जाएंगे इसके, उसे नहीं खरीद ले, उसे नहीं खरीद ले, उसके बाद फेंकना मत कहीं। हाँ, उसके बाद डस्टबिन में डाल देना। मतलब ये बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई इतना कैरी करके लेके आ रहा है ना, तो ले भी जा सकता है यार वापस। यार ऐसा है ना कि आज का यूथ जो है काम नहीं है ना, सारी पब्लिक का मिल, ये पूरा सबका काम है। और आज का यूथ जो है ना, वो घर में बैठना, घर में सोना पसंद नहीं कर रहा। संडे को देखो हमारी टीम कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। बिल्कुल है, मतलब हम चाहते तो संडे को आराम से उठ सकते थे 9-10 बजे, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है यार कि चलो हम लोग कुछ तो अपना योगदान दे रहे हैं ना आगे। तो भाइयों, पिकनिक कर रखा आपने, सब कुछ कर रखा आपने, और ये देखो कूड़ा हमें उठाना पड़ रहा है आपके गिलास में। ये देखो, और ये सारी चीज़ें हैं भाई, मत करा करो यार। ऐसे न जाने पता नहीं कितने कट्टे हमारे भर चुके हैं अभी तक, और जबकि हमने अभी थोड़ा सा काम किया है, और इतना सारा कूड़ा यही अगल बगल में विद, मतलब ये मान सकते हो 500 मीटर के रेडियस के उसमें इतना कूड़ा है भाई। तो समझ लो कि इस पूरे एरिया में कितना कूड़ा होगा। तो मैं आपको ना रियलिटी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये स्थान दे रखा हमने भगवानों को, अपने पूज्य सनातन के जो हमारे हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हमने यह स्थान दे रखा। देखो, तो ऐसे ही भक्ति करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये मूर्तियाँ इधर इधर की साइड पड़ी हुई थी, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर रखी है, क्या करें यार।
देखो ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है ये। देखो कूड़ा करकट आप देख सकते हो, कूड़ा तो क्या बोले, जितना हम साफ करते जाएंगे ना उतना ही कम है भाई। कम से कम इतना टाइम चाहिए इन चीज़ों को साफ करने के। देखिए क्या बताया जाए, मतलब लोग फेंकते जा रहे हैं यार। तो यहाँ पर ना मंदिर किसी ने मूर्ति वगैरह विसर्जन करी होगी और सारी ऐसे फेंकी हुई यार। मतलब किताबें वगैरह जो भगवान की हम पूजा करते हैं घर में, एक अलग से स्पेशल रूम बना देते हैं और इतने पूजते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई कदर नहीं है। मतलब ऐसा बुरा हाल हो रहा है यहाँ। देख लो आप, हमारे भाइयों ने कितने प्यार से यार ये चूल्हा बनाया था, यहाँ पर खाना भी खाया होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन ये कूड़ा ले जाना ही भूल गया भाई। ये देखो, मतलब आपको यहाँ हल्दी नमक मिर्च पाउडर सब मिल जाएगा भाई, पर कूड़ा नहीं ले जा सकते अगले भाई। ये देख लो, हमने अभी कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर लिया है यहाँ से, और जो भी लोग जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं उनसे एक अपील है, विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आप आइए उत्तराखंड, मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है, आपका हक बनता है घूमने के लिए, हम सभी का आपका सभी का स्वागत। लेकिन जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो या किसी भी मतलब ऐसे घूमने की जगह पर जा रहे हो, खासकर देहरादून या इससे आगे टिहरी हो गया, मतलब उत्तराखंड के कोई भी ज़िले में, पूरे उत्तराखंड में, तो प्लीज़ अपना कूड़ा अपने साथ ले जाइए यार, ये विनम्र निवेदन है, प्लीज़ अपील समझ लीजिए आप इसका। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना कूड़ा हमने इकट्ठा कर रखा भाई, मतलब दो घंटे डेढ़ दो घंटे के करीब में रहा होगा और हमने इतना कूड़ा इकट्ठा करा। अगर सोचो कि पूरा दिन लग जाता तो पता नहीं कितना कूड़ा इकट्ठा होता। ये है कूड़ा की हालत, देखो देख रहे हो, ये है पूरा कूड़ा। और लोकेशन देखो आप, ये इतनी प्यारी खूबसूरत लोकेशन है, पूरा माल देता। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कूड़ा फैला भी रहे हो तो प्लीज़ यार अपने साथ लेके जाओ कूड़े को, आपकी जगह है, आप इसको स्वच्छ रखेंगे तो ये तभी स्वच्छ रह पाएगी। मैं चाहूँगा आप सभी को कि हम जब भी कहीं जाते हैं घूमने वगैरह कुछ खाते हैं और हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे पास डस्टबिन नहीं होता आसपास, तो अपने साथ जो कूड़ा लेके आते हैं उसे डाल नहीं पाते। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आपसे कि आप कूड़ा करते हैं, आप बैग में ले जाइए और जहाँ कहीं डस्टबिन मिले वहाँ इस कूड़े को डालिए, ताकि इस तरह की हालत ना हो। और अगर हो भी जाती है तो यूपीटी केयर्स हमेशा आगे है इस चीज़ के लिए और हम ऐसे ही कूड़े का सफाई करते रहेंगे। यूपीटी केयर्स बंडल्स भी, सिगरेट बट्स भी हैं, पैकेट्स भी हैं, डायपर्स भी हैं, एंड वन ऑफ माय प्रीवियसली मेंबर मेंशन दैट दे हैव द अंडरवियर्स एज वेल। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर कि प्लीज़ 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 आप लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, उत्तराखंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग कि आप आ रहे हैं आइए अपना कचरा अपने साथ लेके जाइए, बिकॉज यू नो दैट उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देहरादून इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी हैव ऑल द सीनरीज ओवर देयर। सो आइए प्लीज़ अपना कंक्लूड कीजिए और अपना मजे कीजिए। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो भी यहाँ पे आते हैं कैंपिंग करता है, आप यहाँ पे टेंट उंट लगाते हो, तो मगर गद्दे वगैरह आप ले जाओगे यहाँ पे, गद्दे भी आपने फेंके हुए, दारू की बोतल्स भी, आप अपना कूड़ा यहाँ पे अगर हो रहा है तो आप एक पैकेट लेके आइए ना, उस पैकेट में डाल के ले जाइए। हर बारी का ऐसी होता है, जैसी भी जिस जगह हमें हम जाते बोतलें बोतलें बोतलें, अरे धरती को अगर गलत दोगे तो गलती तो निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई ने ऐसा बोला, गद्दे वगैरह पड़े या टेंट का कपड़ा तक पड़ा हुआ है यार, आप ला रहे हो पार्टी कर रहे हो ठीक है अच्छी बात है चलो पार्टी करो, अपना कूड़ा तो अपने साथ ले जाओ, डस्टबिन नहीं है बैग में डालो, आगे बाहर डस्टबिन लगा हुआ है उधर फेंक दो जाके, पर नहीं यहीं फेंकना है। पता नहीं क्या सिखा रखा है यार तुम्हारे घर वालों ने। जो ना पहले नेचर हम लोग भी ना पार्टी करने जाते होते थे, तो बट जब से मैंने यूपीडी गेयर को ज्वाइन करा है तब से मेरी एक आदत बन गई है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी पैकेट तो फेंकता नहीं हूँ पहली बात। और सेकंड बात की कि मैं जैसे हम दोस्त हैं, ये भाई मेरा दोस्त है बहुत अच्छा मित्र है, तो हम जब भी हम पार्टी करने जाते हैं तो भाई अब कैसा नेचर है हमारा, बिल्कुल हम अपना बैग लेके जाते हैं और कूड़ा उसमें भर के वापस लेके आते हैं, जहाँ डस्टबिन दिखता है उसके अंदर डालते हैं। हम अब ऐसे नहीं करते, जब से मैंने यूपीडी केयर ज्वाइन करी है, आप भी यूपीडी केयर ज्वाइन करिए और यहीं पर भी जाइए कूड़ा ना फैलाइए। और ये शुरुआत अपने बाहर से मत करिए, घर से ही, घर में भी आप जो आप पैकेट पूरा फेंक देते हो ना सड़क पर फेंक देते हो, उस पैकेट को भी डस्टबिन में डालिए, वरना गाड़ी वाली कचरे तो कचरे वाली गाड़ी तो आपके पास आती होगी नगर निगम की, उसमें आप डालिए। देखो मुझे ये लगता है यार कि आज की जो ड्राइव है ना, हम लोग तो अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं, सोशल मैसेजेस भी दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड से जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा बाद में, या जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, बाई चांस उनका ये मैसेज पहुंचता है, जैसे इससे पहले दो या तीन ड्राइव में राघव जुयाल ने हमें सपोर्ट किया था, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है ना वो उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारा मैसेज तो पहुंच रहा है लेकिन उनके पास ज़्यादा चेहरे हैं, ज़्यादा लोग हैं, अगर वो ये मैसेजेस हमारे उत्तराखंड की ओर से फैलाएं तो पूरी देवभूमि जो है और स्वच्छ रह सकती है। वाओ, मैसेज है कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। राइट, तो
तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है सभी जगह में। प्लीज़ जितने भी मेरे साथ के यूट्यूब पे जितने भी मेरे दोस्त हैं, YC28 हो गया, नेगी जो आइकॉनिक राइडर हो गया, और दो तीन और हैं जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार। और एक सोशल अवेयरनेस फैलाने में और हमारे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में आप अपना अहम योगदान दे सकते हैं। आप भले ही ट्राइब में शामिल नहीं हो, आप दूर के हो, पर आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप कन्विंस कर सकते हो लोगों को कि यार कूड़ा ना फैलाएं। अपने अपने क्षेत्र में कर सकते हो, अपने अपने रीजन में जो आपका पड़ता है वहाँ पर आप देख सकते हो कि कूड़ा किस तरह से फैलाया जा रहा है। और सभी जगह यार, श्रीनगर हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, कहीं भी हो, ये मेन प्रॉब्लम बनती जा रही है उत्तराखंड के लिए। और प्लीज़ थोड़ा सा सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं या कहीं भी किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर कूड़ा लेके आइए, आपकी जगह है, आप स्वच्छ रखेंगे तो कल ही आपको, आप लोगों को ही बैठना है वहाँ पर, और आप लोगों को स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छ रहेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना अहम योगदान दें। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई ट्राइब के साथ में, और एक और नई लोकेशन के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप हेल्दी, और एक सोशल अवेयरनेस के तौर पे आप उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द पहाड़ी सोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।